हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। गणपति बाप्पा दरवाजे पे पहुंचने वाले हैं, तो आज हम उनके लिए बनाने वाले हैं उनकी फेवरेट मोदक। तो जल्दी से बना लेते हैं मुंह में घुल जाने वाली बहुत ही स्वादिष्ट मावा मोदक। तो मोदक बनाने के लिए पहले हम कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी ले लेंगे। घी मेल्ट होते ही उसमें हम 1 कप दूध डाल देंगे और उसको उबलने देंगे। मिल्क थोड़ा सा बॉयल होने लगा है तो उसमें अभी हम डाल देंगे। हमने केसर मिला के रखा हुआ था दूध में, तो कलर आ गई है उसमें, उसको हम अभी दूध में ऐड कर देंगे। देखिए दूध की कलर बिल्कुल सैफ्रन कलर हो गई है। अब इसमें डाल देंगे 2 कप मिल्क पाउडर। इस मिल्क पाउडर में शुगर ऑलरेडी एडेड है। एक कप पहले डाल के उसको हम मिला लेंगे, फिर बाद में और 1 कप डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सूजी। और इसको अच्छे से ऐसे मिलाते जाएंगे जब तक ये पूरा थिक हो जाएगा। इसमें इलायची की पाउडर भी ऐड कर दिया हमने। देखिए ये काफ़ी थिक हो गई है। अगर आपके बैटर थिक नहीं होगी तो आप उसमें 2 चम्मच और सूजी ऐड कर सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल बहुत अच्छे से थिक हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ पास से, एकदम से स्टिकी हो गई है। तो मोदक के लिए बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। अब इसको एक बॉल में निकाल के हम बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। एकदम से ठंडा होने के बाद ही उसमें 2 टेबलस्पून हम चीनी ऐड करेंगे। शुगर को अच्छे से मिला लेंगे और इसको एक प्लेट में निकाल देंगे और हाथ में थोड़ा सा घी लेके हम इसको गूंद लेंगे। देखिए हमने यहाँ पे निकाल के उसको गूंद लिया है, तो अब बिल्कुल हाथ में चिपकता भी नहीं है ये। देखिए डो बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। अब थोड़ा सा हम हाथ में घी लगा लेंगे और मोदक बनाना स्टार्ट करेंगे। इसे एक पोर्शन ऐसे निकाल के उसमें से इसे गोल करके उसको शेप देंगे। मेरे पास मोल्ड नहीं है मोदक बनाने के लिए, इसलिए मैं हाथ से ही बनाऊँगी। देखिए इस तरह बीच में से हमने काजू डाल दिया है, छोटे छोटे टुकड़े काजू के हमने डाल दिया है बीच में। फिर से हम गोल करके इसको शेप दे देंगे मोदक के, और उसमें जो लाइन अभी खींचेंगे हम फोक से हमें लाइन खींच लेंगे। देखिए इस तरह घुमा घुमा के इसका एक एक लाइन हम बना लेंगे। देखिए बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। बिल्कुल बढ़िया सा मोदक हमारी बन गई है बिना मोल्ड के भी। और एक बना के दिखाती हूँ मैं आपको। इसे गोल करके एक तरफ से इस तरह लंबाई कर लेंगे और हाथ से उसको चारों तरफ से थोड़ा सा प्लेन कर लेंगे। तो देखिए इस तरह हमने मोदक बना ली है और बाकी के डो भी हम सर मोदक बना लेंगे। एक हमने बड़ा सा मोदक बनाया है, देखिए कितना अच्छा बना है। तो सारे मोदक हमने यहाँ पे बना लिया है और उसको थोड़ा सा हम डेकोरेट करेंगे। चारों तरफ से इस तरह हम कलर लगा देंगे। ऊपर से थोड़ा सा हम इसको नारियल से सजा देंगे। अंदर काजू है और ऊपर थोड़े से नारियल है। रेड कलर का भी हमने मार्क लगाया है, तो कितना सुंदर दिख रहा है देखिए ये मोदक। तो इस तरह सारे मोदक को हमने तैयार कर लिया है।
तो इस बार पूजा में मावा के टेस्ट वाली और बढ़िया सुंदर दिखने वाली इस टाइप के मोदक आप बनाएंगे तो गणपति बापा जरूर खुश हो जाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।